नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, 3 जून से ई पास सिस्टम खत्म, अब जहां मन वहां जाएं। झारखंड में ई पास सिस्टम 3 जून को खत्म हो जाएगा। अभी राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया है, इसकी मियाद 3 जून सुबह 6 बजे खत्म हो रही है। इसके साथ ही सरकार ई पास की व्यवस्था समाप्त कर देगी, लेकिन लोगों को एहतियात बरतना होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन में ढिलाई के साथ ही ई पास सिस्टम हटाने पर विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री इस बारे में 1 जून को बड़ा ऐलान करेंगे। मानसून का इंतजार हुआ खत्म, केरल में आज तो झारखंड में 13 जून को मानसून की होगी दस्तक। रांची समेत झारखंड के विभिन्न इलाकों में अगले 4 दिन बारिश के आसार हैं। साथ ही 40-30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 2 जून तक रांची में बादल छाए रहने और मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। वहीं राज्य के मध्य, उत्तर पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में भी बारिश हो सकती है, जिसमें अधिकतम तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। हजारीबाग के बरही में 40 लाख का डोडा पकड़ा, ट्रक जब्त, ड्राइवर व खलासी की खोजबीन जारी। झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही में पुलिस ने एक ट्रक से बड़ी मात्रा में डोडा को बरामद किया है। बाजार में इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने डोडा सहित ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं ट्रक ड्राइवर और खलासी के नहीं मिलने पर उनकी खोजबीन तेज कर दी गई है। इस संबंध में बरही DSP नाजिर अख्तर एवं बरही थाना प्रभारी उत्तम कुमार तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि GT रोड पर धोबिया टांड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा मिला। ट्रक की छानबीन करने से प्लास्टिक के 98 बैग मिले। इन बैग में करीब 1260 किलोग्राम डोडा मिला। झारखंड में तीसरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से कम होने लगे कोरोना संक्रमण के मामले, चौथे से मौत में आई कमी। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखकर हेमंत सरकार ने 22 अप्रैल 2021 से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी मिनी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। तब कोरोना के केस एवं इससे मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर दिखने लगा। तीसरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में कम आने लगी। वहीं चौथे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में संक्रमण से मौत की संख्या भी कमी आई और वर्तमान में 5वीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह राज्य में लागू है। कोरोना की जंग जीतने के लिए मुख्यमंत्री राहत किट तैयार कर रही है सखी मंडल की दीदियां वो आंगनबाड़ी की सेविकाएं, जानिए हेमंत सोरेन का क्या है प्लान। कोरोना महामारी की जंग में JSLPS संपोषित सखी मंडल की बहनें और आंगनबाड़ी सेविकाएं ग्रामीणों की जीवन रक्षा के कार्य में दिन रात जुटी हुई है। इनका मुख्य फोकस ग्राम स्तर पर संक्रमितों की पहचान, दवाई की उपलब्धता एवं मुख्यमंत्री राहत किट जल्द से जल्द जरूरतमंद ग्रामीणों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। इसके लिए JSLPS की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नैन्सी सहाय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब तक करीब 1 लाख किट बनकर तैयार हो चुका है। झारखंड में 6 माह से 7% बढ़ी बेरोजगारी दर, कोरोना संक्रमण ने लोगों की जिंदगी के साथ रोजगार भी छीने। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण ने न सिर्फ लोगों की जिंदगियां छीनी बल्कि लोगों से उनका रोजगार भी छीन लिया। पहली लहर में जब झारखंड सहित देश भर में लॉकडाउन लगा था, तब राज्य में बेरोजगारी दर पहले से 50% से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि दूसरी लहर में हेमंत सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सख्ती तो की, पर लोगों के रोजगार पर ज़्यादा असर न पड़े इसका भी ख्याल रखा। इसका नतीजा यह रहा कि इस बार बेरोजगारी दर में 7% का भी इजाफा हुआ, लेकिन इसे संख्या में तब्दील किया जाए तो यह संख्या लाखों में होगी। कपड़ा दुकान व सैलून को पुलिस ने किया सील।
कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लगाए गए मिनी लॉकडाउन का उल्लंघन के आरोप में सीओ असीम बारा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद व एएसआई साधन कुमार ने कपड़ा दुकान व सेलर को सील कर दिया। इसके साथ दोनों के संचालक अनिल परनाल व शंकर वर्मा को पुलिस थाने ले गई। घोड़ाबांधा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने की कवायद, अधिकारियों ने किया निरीक्षण। खबर जमशेदपुर के गोविंदपुर से है। गोविंदपुर घोड़ाबांध प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने की वकायद शुरू हो गई है। करोड़ों की लागत से बने इस भवन का उद्घाटन कल नहीं हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन की पहल के बाद मणिपाल मेडिकल कॉलेज ने इसे चालू कराने का मन बनाया है। उपायुक्त के निर्देश पर रविवार को सिविल सर्जन को डॉक्टर अरविंद कुमार लाल, मणिपाल हॉस्पिटल के पीआर कंसल्टेंट प्रियंका सिंगल, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर बिमलेश, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सुजीत, मणिपाल के कानूनी एवं तकनीकी सलाहकार जयप्रकाश, जुगलसबाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर लक्ष्मी आदि ने अस्पताल भवन का निरीक्षण कर उसे प्रारंभ करने के लिए गहन जांच पड़ताल की। जिले के सिविल सर्जन ए के लाल एवं मणिपाल के अधिकारियों ने पूरे अस्पताल का भ्रमण, वर्तमान स्वास्थ्य को देखा ताकि एक ठोस रणनीति एवं योजना के अस्पताल को प्रारंभ किया जा सके। चक्रवर्ती तूफान याज की बारिश ने झारखंड की साहेबगंज में ढाया कहर, बंगाल से टूटा संपर्क। चक्रवाती तूफान यास गुजर गया लेकिन झारखंड के साहेबगंज व आसपास के इलाकों में हुई जोरदार बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। पहाड़ से उतरने वाली पानी के कारण बरहवा प्रखंड के निसिंद्रा के समीप NH-80 सड़क 20 से कटकर बह गया। इससे झारखंड व पश्चिम बंगाल का संपर्क टूट गया है। बरहवा से बंगाल जाना मुश्किल हो गया है। जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर सड़क टूटकर बह रही है वह पश्चिम बंगाल का फरक्का थाना क्षेत्र में आता है। इससे बरहवा की ओर से बंगाल जाना मुश्किल हो गया है। एक भी वाहन पार नहीं हो रहा है। सड़क के ऊपर करीब 4 से 5 फीट पानी काफी तेज धार से बह रहा है। सड़क के बंद हो जाने के कारण बरहवा क्षेत्र के व्यवसाय पर इसका सीधा असर पड़ा है। मोदी गवर्नमेंट के 7 साल पूरे होने पर धनबाद में जगह जगह कार्यक्रम, गोविंदपुर में रक्तदान शिविर। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 7 साल पूरे कर दिए हैं। मोदी ने दूसरी पारी में 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस उपलक्ष में देश भर में भाजपा की तरफ से सेवा दिवस और सेवा की संगठन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। धनबाद में भी भाजपा के सभी मंडलों में सेवा की संगठन कार्यक्रम का आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला महानगर के अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि महानगर में केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में धनबाद जिला महानगर के 17 मंडल में तथा मोर्चा के द्वारा सेवा की ही संगठन कार्यक्रम मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला महानगर में 180 स्थानों से ज्यादा जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित की गई। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। परीक्षा होगी या नहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा संकेत। जुलाई में हो सकती है 12वीं की परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जुलाई में 12वीं के बोर्ड का एग्जाम कराए जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होने वाली इस परीक्षा में लिमिटेड फॉर्मेट में करवाया जाएगा। इसके तहत स्टूडेंट को केवल अनिवार्य विषय ही परीक्षा देनी होगी। इस एग्जाम की समय अवधि भी 3 घंटे से कम रखी जाएगी। राजस्थान के घर घर में मिलेंगे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय। काल में गहलोत सरकार हर परिवार को देगी 8 पौधे। राजस्थान सरकार एक अनूठी पहल की है। घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधीय जड़ी बूटियों पौधे उपलब्ध कराएगी। गहलोत सरकार की मेगा योजना का लक्ष्य राज्य में रहने वाले सभी 1,26,50,000 परिवारों तक पहुंचाना है। उन्हें इस अभियान के तहत 4 औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा इस पंचवर्षीय योजना के लिए 210 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है, जिसमें से 31.4 करोड़ रुपए पहले वर्ष में राज्य के आधे घरों में 5 करोड़ से अधिक पौधे वितरित करने के लिए खर्च किए जाएंगे। अगले वर्ष शेष परिवारों में समान संख्या में पौधे बांटे जाएंगे। कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा, बाबा रामदेव बोले, ले रहा योग और आयुर्वेद का डबल डोज, टीके की जरूरत नहीं। कोविड से जंग के खिलाफ देश और दुनिया की कोरोना वैक्सीन पर भरोसा कर रही है।
तो दूसरी ओर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि वह संक्रमण से बचाव के लिए वह वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। रामदेव कहते हैं कि वह योग और आयुर्वेद का डबल डोज ले रहे हैं तो उनको कोरोना वैक्सीन लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले कई सालों से वह लगातार योग का अभ्यास कर रहे हैं जिससे उन्हें संक्रमण का खतरा नहीं है। बाबा रामदेव ने दावा करते हुए कहा कि उन्हें कोरोना वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि वायरस के कितने भी वेरिएंट आ जाए उन्हें संक्रमण से कोई खतरा नहीं होने वाला है क्योंकि उन्हें योग संभाल लेगा। कोरोना को मात देने के लिए लोगों को अपनी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना होगा ताकि संक्रमण से बचा जा सके। कंगना रनौत के बॉडीगार्ड को महिला का रेप करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। एक्ट्रेस कंगना रनौत की बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े को शादी के नाम पर एक महिला का रेप करने के आरोप में कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया है। हेगड़े ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से अपनी मां की मौत का हवाला देते हुए 50,000 उधार लिए थे। अधिकारी ने बताया कि हेगड़े किसी अन्य महिला से शादी करने वाला था। भारतीय महिला टीम की नई टेस्ट जर्सी की पहली तस्वीर सामने आई। 7 साल में होगा पहला टेस्ट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टेस्ट उपकप्तान हरमनप्रीत कौर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर टीम की नई टेस्ट जर्सी की तस्वीर शेयर की है। हरमनप्रीत ने फॉलोअर से कहा कि मैं इससे सभी से प्यार करने लगी हूं। आपका क्या कहना है? भारतीय टीम 7 वर्षों में पहली बार टेस्ट मैच खेलेगी और 16 जून से भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच होगा। हरियाणा में ब्लैक फंगस से 50 लोगों की मौत, करीब 650 मरीजों का चल रहा इलाज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में ब्लैक फंगस के कारण अभी तक 50 लोगों की मौत हुई है जबकि लगभग 650 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बकौल सीएम राज्य में ब्लैक फंगस के अब तक करीब 750 से अधिक मामले मिले हैं जिसमें 58 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1500 प्रतिमा देने की किया ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को बाल सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उनके 18 वर्ष के होने तक 1500 प्रतिमा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन अनाथ बच्चों बच्चियों के अभिभावक नहीं है उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी। अनाथ बच्चों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा। कोविड-19 के चलते महाराष्ट्र की जेलों में भीड़ कम करने के लिए रिहा किए गए 1,102 कैदी। महाराष्ट्र के जेल विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के चलते राज्य की जेलों से 1,102 कैदियों को विचार की अंतर्गत जमानत या अस्थायी पैरोल पर रिहा किया गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रसार रोकने के लिए भीड़ कम करने का आदेश दिया था। भारत पहले से 10 गुना अधिक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है। मन के बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 77वें संस्करण में कहा, सामान्य दिनों में भारत 900 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रतिदिन बनाया था लेकिन अब उससे करीब 10 गुना अधिक 9,500 मेट्रिक टन बना रहा है। साथ ही उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स की सराहना करते हुए कहा कि कोविड-19 से लड़ाई में उन्होंने अद्भुत काम किया। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन बी की 2 लाख खुराक भारत पहुंची। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने रविवार को बताया कि एम्बिसो यानी एम्फोटेरिसिन बी की 2 लाख खुराक भारत पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले यह दवा अमेरिका दवा कंपनी गिलियड साइंसेज द्वारा भेजी गई है। भारत के कई राज्य ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए नियत चाहिए, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अनुसार कोविड-19 से लड़ने के लिए चाहिए सही नियत, नीति और निश्चय, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए कल देश को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले राहुल ने केंद्रीय मंत्रियों पर पीएम की छवि बचाने के लिए कुछ भी बोलने को आरोप लगाया था। 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे किसान, जलाएंगे नए कृषि कानून की प्रतियां। संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को कहा कि आंदोलनकारी किसान 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाएंगे और बीजेपी सांसदों और विधायकों के दफ्तरों के सामने केंद्र के नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। बतौर संयुक्त किसान मोर्चा, पिछले साल सरकार ने 5 जून को ही अध्यादेश के तौर पर किसान विरोधी कानून को प्रस्तुत किया था। दिल्ली में 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कुछ व्यवसायों के लिए प्रतिबंधित दी गई ढील।
दिल्ली में लॉकडाउन को 7 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। बकौल DDMA स्वीकृति औद्योगिक क्षेत्रों में बंद परिसरों और कंटेनमेंट जोन के बाहर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इकाइयों को संचालन की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि 31 मई से चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में कार्रवाई, भागलपुर की महिला गिरफ्तार, 90 लाख के फर्जीवाड़े का लगा आरोप। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में दिल्ली पुलिस ने बिहार के भागलपुर जिले से एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उक्त महिला और उनके परिवार के खाते में करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिसके बाद एक शिकायत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। कोरोना पर नीतीश को धन्यवाद और नसीहत, कौन सा सियासी पेच कस रहे मांझी, क्या कहती है कांग्रेस। कोरोना के घटते संक्रमण के साथ ही बिहार में राजनीतिक भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां एक और इस मामले में सरकार पर सवाल उठाए हैं, वहीं बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्र ने अपने बयान में कहा कि बिहार में कोरोना का घटता संक्रमण लॉकडाउन का परिणाम है, लेकिन सरकार को लॉकडाउन अप्रैल महीने में ही लगा देना चाहिए था। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर सरकार ने ऐसा किया होता तो कोरोना का संक्रमण काफी पहले ही कम हो गया होता। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।